संबंध किस तरह से आप पूरा करेंगे, क्योंकि आपके पास लंबा सेना का अनुभव है? तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो हमारे डिपार्टमेंट के SOP है उसके हिसाब से हम आगे चलें। जो लेगेसी पहले छोड़ के जा रहे हैं हमारे आउटगोइंग चेयरमैन साहब, हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी कि सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो टाइम से कराए जाएँ, सारे जो चैलेंजेस होते हैं जो कि पेपर लीक से संबंधित हैं उनको हम एड्रेस करें और उसको प्लग करें, और जो हमारे युवा साथी हैं जिनके एस्पिरेशन से आकांक्षा हैं उनको हम मीट करें, उसके लिए हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। सर, पेपर लीक अपने आप में प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, किस प्रकार के क्या अनुभव आपके रहेंगे कि इस तरह की जो घटनाएं जो होती हैं उनको रोका जा सके? सो पेपर लीक होना एक बहुत अनफॉर्चुनेट होता है, दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा होता है, तो और मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी अंदेशा नहीं होना चाहिए कि पेपर लीक हो। तो पेपर लीक होना कोई रॉकेट साइंस वाले इशू नहीं है, मुझे लगता है कि जो सारे उसके पॉसिबिलिटीज़ होती हैं पेपर लीक होने के, यदि हमको आइडेंटिफाई कर सकें कि पेपर लीक कहाँ से कब और कैसे होते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, और उसको फिर हम उसके कोई फुल प्रूफ मेजर्स ले सकें, तो फिर पेपर लीक रुक सकता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑलरेडी ऐसे सिस्टम्स बने हुए हैं, व्यवस्था बनी हुई है कि पेपर लीक ना हो, लेकिन फिर भी यदि कहीं पर हमको लगेगा कि ऐसी कोई कमजोरी है, कमी है, इसको कि एड्रेस करना है, हम उसके पूरे मेजर्स लेंगे और इंश्योर करेंगे कि पेपर लीक ना हो। सर, एक अंतिम सवाल, बेरोजगारी की कई बार शिकायत रहती है कि भर्ती परीक्षा हो जाती है लेकिन उसके परिणाम आने में बड़ा लंबा समय लग जाता है, तो इस प्रकार का जो बीच में जो गैप है उसको कैसे दूर करेंगे सर? तो मेरे को लगता है कि जो गेस्टेशन पीरियड या जो गैप होता है टाइम का, वो प्रोसेस को पूरा करने के लिए शायद टाइम लगता है। अब मुझे आज के दिन मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब उसको पूरे सिस्टम को स्टडी कर लूँगा और उसके बाद भी मैं आपको इसका जवाब दे पाऊँगा, लेकिन मेरा विश्वास है कि जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके अंदर पूरे सिस्टम बने हुए हैं ताकि डिले ना हो, लेकिन फिर भी डिले होते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, सिस्टम को चेंज किया जाए, कुछ अलग तरह की SOP बनाई जाए ताकि ये डिले और कम से कम की जा सके, और जैसे ही एग्जाम्स समाप्त हों, परीक्षाएं समाप्त हों, अभ्यर्थियों को जल्दी से जल्दी उनका रिजल्ट निकाल दिया जाए। देखिए, ये थे नए अध्यक्ष जिनका कहना है कि बेरोजगारों की जो मांग लगातार चलती आ रही कि परीक्षा परिणामों में देरी होती है, पेपर लीक जैसी घटना है, उनको रोकना उनकी प्राथमिकता रहेगी। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो, यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा, हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती है सबसे पहले सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।